आज 18 नवंबर को पूरे भारत में नेचुरोपैथी डे प्राकृतिक चिकित्सा दिवस मनाया जा रहा है और इसका सिग्निफिकेंस पिछले कुछ सालों में अगर आप देखें तो बहुत ज़्यादा इसकी रिलेवेंस बढ़ी है, इसका सिग्निफिकेंस बढ़ा है नेचुरोपैथी का। और उसका कारण यह है कि हमारी एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन का एक बहुत बड़ा भाग जो है वो लाइफस्टाइल, क्रॉनिक मेटाबॉलिक कंडीशंस, क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस, ऑटोइम्यून कंडीशंस, मेंटल हेल्थ कंडीशंस, ऐसी बीमारियां जो बेसिकली कई सालों तक आपके साथ रहने वाली हैं, आपका साथ नहीं छोड़ने वाली हैं। तो ऐसे में एक हॉलिस्टिक व्यू से आपकी बॉडी और उसके फंक्शंस को देखने की ज़रूरत है, आपके हेल्थ और डिसीज को एक व्यापक नज़रिए से देखने की ज़रूरत है, जिसमें कि आप ये समझें कि आपको फ्रैगमेंट्स में नहीं, आपको टुकड़ों में नहीं, आपको एक कंप्लीटनेस में देखा जाएगा, एक व्यापकता में देखा जाएगा कि आप हेल्दी हैं या नहीं हैं। आप बीमार हैं तो इसमें अलग अलग कंपोनेंट्स को जोड़ के आप कैसे उसको हेल्थ में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो नेचुरोपैथी एक हॉलिस्टिक सिस्टम ऑफ ट्रीटमेंट है जिसमें हम अधिकतर किसी दवा का या कोई मेथड का उपयोग नहीं करते हैं। हम अधिकतर इसमें कोशिश ये करते हैं कि आपकी जीवन शैली में बदलाव किया जाए, आपके खान पान में बदलाव किया जाए कि आपका शरीर निरोग रहे, आपकी बीमारी से बची रहे। लेकिन अगर आपको कोई बीमारी होती है तो हम बॉडी के उन फंक्शंस को रिस्टोर करने की कोशिश करते हैं, वापस उस फिजियोलॉजिकल कंडीशन में लाने की कोशिश करते हैं जहाँ से बॉडी को दोबारा से ठीक किया जा सके। और ये जो है लगभग पूरी दुनिया में प्रैक्टिस की जाने वाली एक पद्धति है। एलोपैथी के बाद दूसरी सबसे पॉपुलर सिस्टम ऑफ मेडिसिन है जिसकी 90 कंट्रीज में, 90 देशों में इसकी मान्यता है। और ये 18 नवंबर को प्राकृतिक चिकित्सा दिवस इसलिए मनाया जाता है क्योंकि महात्मा गांधी जो इस देश के राष्ट्रपिता हैं, उनका नेचुरोपैथी से ज़बरदस्त कनेक्शन था और उनका सपना ये था कि नेचुरोपैथी जन जन तक पहुँचे, एक आम जिंदगी का हिस्सा बने और भारत जब स्वतंत्र हो तो भारत की सरकार, भारत के लोग नेचुरोपैथी को अपनी एक प्राइमरी चिकित्सा पद्धति के रूप में अपनाएं। तो 18 नवंबर 1946 को उन्होंने एक ट्रस्ट की स्थापना करी, ऑल इंडिया नेचुरोपैथी फाउंडेशन ट्रस्ट, जिसके वो सिग्नेचरी बने। और उसकी संकल्पना ये थी कि नेचुरोपैथी को भारत के गांव-गांव तक, हर आदमी तक पहुंचाया जाए। दुर्भाग्यवश आज़ादी के मिलने के कुछ महीनों बाद ही उनकी हत्या हो गई, जिससे कि ये उनकी संकल्पना पूरी नहीं हो पाई। लेकिन इस चीज़ को याद रखते हुए भारत सरकार ने हाल ही में अभी 6ठा प्राकृतिक चिकित्सा दिवस हम मना रहे हैं, 6 साल पहले सरकार ने घोषणा करी उस दिन को सिग्निफाई करते हुए, जब गांधी जी ये सपना देखना चाहते थे कि भारत का हर आदमी बीमार ना पड़े, वहाँ पे एक सेल्फ से रिलायंस हो अपने हेल्थ के प्रति, उसकी एक समझदारी हो कि वो बीमारी को रोक सके, बीमारी से अपने को ठीक कर सके। तो इसके उपलक्ष्य में 18 नवंबर को प्राकृतिक चिकित्सा दिवस मनाया जा रहा है और नेचुरोपैथी बहुत सारी बीमारियों को, जो बेसिकली जिसका मॉडर्न जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है या जिसको हम मॉडर्न हेल्थ केयर सिस्टम बोलते हैं, जिसके पास उसका जवाब नहीं है, तो बॉडी के उन डिसफंक्शंस को, उन बीमारियों को जो 2-4 दिन की दवाओं से ठीक नहीं होने वाला है, उन सब रोगों में नेचुरोपैथी एक बहुत ही कारगर चिकित्सा पद्धति है। तो मैं आप सबका आह्वान करता हूं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग नेचुरोपैथी को अपनाएं, अपनी ज़िंदगी में शामिल करें। और ग्रेटर नोएडा में समति वेलबींग सेंटर आपकी सेवा के लिए हमेशा ही उपलब्ध है। थैंक यू।